हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हमारे पापा के यहाँ। आज हनुमान जी बोलो, बालाबा जी बोलो, वहाँ पे हम प्रसादी करने वाला है, लड्डू बनाने वाला है। तो अब आपको बताते हैं। अभी तो पापा ला रहे हैं कंडे, तो हम बना रहे हैं लड्डू। चलो आपको बताते हैं कि लड्डू कैसे बनाते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमने गेहूं का आटा लिया है, इतना हल्का सा। मतलब आपने जो रोटी बनाने का आटा होता है ना, उससे थोड़ा बड़ी साइज़ का निकाल देना। फिर थोड़ा 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 पानी लेके, फिर पानी बस बहुत कम मात्रा में लेना, और फिर धीरे धीरे उस आटे को मिला लेना। और हम किस तरह से करते हैं ये देखते रहो आप। इस तरह से आटे को बराबर पानी लेते हुए, मतलब कठोर मात्रा में उस आटे को घोटे बनाने। लड्डू के जो घोटे होते हैं ना, अपन कंडे पे सेकते हैं, तो वो कठोर मात्रा, मतलब आटा गीला नहीं होना चाहिए। यूँ थोड़ा थोड़ा पानी लेके अब हम ये गोटा बना रहे हैं। इस तरह से गोटे बना के, और बीच में हम छेद करेंगे। देखना, बीच में हम छेद करेंगे। छेद से क्या होता है कि कंडे पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो आटा के गोटे हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सेक जाते हैं। हम इस तरह से करते हैं। आप किस तरह से बनाते हो ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को देखते हो आप कमेंट्स और लाइक, और अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे हो इसलिए बोलने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन तो भी बोल देती हूँ दिल को तसल्ली के लिए। दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसे ही लड्डू खाने हो तो हमारे घर पे पधार सकते हो आप, मोस्ट वेलकम। मैं लड्डू बना के खिलाऊंगी। इसको भी हम इसी विधि से बनाया है, और इसी तरह से, और हम ये इसमें भी छेद करेंगे, ये आप देख सकते हो। एक और बनेगा इस आटे का। हम एक फार्मर की बेटी है साहब, और हम इसी तरीके से जीवन जीते हैं। हमारे बालाजी दादा की परसा दी थी, मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी और गरा शक्कर थे, तो किसी ने बोला था, हमने सोचा हनुमान जी प्रसादी कर दे। हनुमान से बढ़कर तो कोई है नहीं इस दुनिया में, मैं बहुत मानती हूँ। तो हम ये भगवान के लिए प्रसादी किए। हमने तीन तो हमने लड्डू बना दिए गोटे, और एक ये छोटा सा प्यारा सा, इसमें भी हम सेद करेंगे इस तरह से। हमारा तरीका अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें। ये बन गए हमारे लड्डू। ये हम बाटी का आटा दोनों बना दिए लड्डू की। भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान को चढ़ाएंगे, और छोटे छोटे भांजे मेरे बच्चे, उनके लिए भी अलग से बना दिया है। भगवान का भी अलग, और बच्चों के लिए, हमारे लिए भी अलग। और ये हम बाटी बाटी बना रहे, बाटी का आटा ही। और उधर हमारे पापा कंडे लगाए हैं, जो देख सकते हो, पूरी कंडे लगा दिए हैं हमारे पापा ने। ये पूरे कंडे लगा दिए। हमने बोला कि आप पापा कंडे लगाओ, और हम गोटे तैयार करते हैं, और बाटी बाटी भी बाटी के लिए आटा गूंथ देते हैं। ये हमारा घर है,
और ये हम आटा गूंद रहे हैं। आटा हमने गूंद के मम्मा को दे दिया और हम ये सेकने के लिए आ गए इधर। हमारे पापा आ गए बैठने के लिए, देने के लिए, पाटला देने के लिए। सर्दी का वैसे मौसम था लेकिन हमको गर्मी लग रही थी क्योंकि अग्नि का प्रकाश था ना हम पे, और जो जबरदस्त कंडे लग रहे थे वो धुआं और उसका आग, गर्मी लग रही। लाइक कर दो दोस्तों। हमारे गांव में इस तरह से बनाते हम और यही तरीके से बनाते हम। गर्मी लग रही है मुझे तब और हाथ भी जल जा रहे थे। अलग अलग हमने छेक लिए ताकि प्रभु भगवान के जब दुगनी दे तब वहीं पे मंदिर में जाके भगवान को चढ़ा के फिर बच्चों को बांट देंगे, और जो हमारे खाने वाला है वो अलग अलग सेक रहे हैं। लकड़ी के सहारे मतलब हाथ इस तरह से करके फिर करते तो जलने का डर नहीं रहता। गर्मी लग रही है। हम कह रहे हैं कि कमेंट्स करके जरूर बताना। वो आवाज़ हमने दूसरी डाल रहे हैं क्योंकि वो काट दी थी, क्योंकि बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे और हल्ला कर रहे हैं। आप वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे, यूँ करके मैंने आवाज़ पूरी काट दी थी। दाल भी हमने बना दी थी और हमारे क्या के कोई वीडियो लेने वाला था नहीं, पापा मम्मी दो ही थे और मेरा भांजा था एक, वो वीडियो ले रहा था और मैंने कहा लड्डू का वीडियो आज बता देते हैं। बहुत गर्मी लग रही है पई हूँ मैं तो। दोनों पार्ट कर दिए थे हमने अलग अलग कंडे के, एक तरफ भगवान जी वाला प्रसाद और एक तरफ बच्चों के खाने के लिए बनाया था अलग से। हमारे लड्डू सेकने तक आधे सेक गए हैं, कुछ ही मिनटों में हमारे गोटे पक जाएंगे कंडे पे। लाइक कर दो।
हम हमारे पापा के यहाँ बना रहे हैं, ये उधर हमारे खेती बाड़ी करके आ रहे हैं। हमारे लड्डू सेक गए हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। दोस्तों ये हम इसमें मिक्सर में मशीन की व्यवस्था नहीं थी तो हमने इस खड़बते में कूट दिया है। इस तरह से हम पीस रहे हैं, बड़ा फास्ट, हाथ भी दर्द करने लगे थे हमारे, मम्मा से बात करते करते पीस रहे हैं हम। इस तरह से एक एक करके इस तरह से, क्योंकि हम किसान की बेटी है इतनी सारी व्यवस्था नहीं होती है हमारे पापा के यहाँ। माँ बैठे हैं, हम बातें करते करते हम माँ बेटी दोनों बात करते करते काम कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमारे माँ बेटी के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, प्लीज सपोर्ट करें। मम्मा शक्कर का डावा लेके बैठे हैं, डिब्बा लेके, वो हमारे पापा जी बाटी बाटी सेक रहे हैं, आराम से बैठे हैं। बात करते करते काम कर रहे हैं माँ बेटी दोनों, आप जानते हो माँ बेटी की कितनी सारी बातें होती हैं। मम्मा कह रहे बस तेरे हाथ दर्द करने लग गए रहने दे, लेकिन मैं जो बड़ा बड़ा वो कूट दे रही हूँ वापस। पीस जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये हम शक्कर डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हो शक्कर डाल रहे हैं, ये मम्मा घी डाल रहे हैं। मम्मा घी डाल रहे हैं, हमारे भैंस हैं, भैंसों का घी निकाला हुआ।
बाटी पापा ले आए। फूल घी डाल दिया है हमने। थोड़ा और कम पड़ रहा है घी, बस हो गया। अब हम इस तपेली में ले लेंगे सब। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बाय दोस्तों, हम जा रहे हैं बालाजी दादा मंदिर ये प्रसाद लेके चढ़ाने के लिए। आज पापा की गाड़ी पे बैठ के जाएंगे। खोलना बेटा, गेट खोला है और ये हम जा रहे हैं अभी पापा की गाड़ी पे फटफटिया पे बैठ के। दोस्तों हमारे वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फटाक से लाइक सब्सक्राइब, फ्री में होता है यार। वो हमारे पापा आ रहे हैं, वो हमारे पापा जी आ रहे हैं। पापा जी सामने देखो, ये हम फटफटिया पे बैठ रहे हैं। फटफटिया बंद क्यों हो गया? हमारे पास जो और वीडियो में तो